कार्स 24 एक लॉस मेकिंग कंपनी है और एक पब्लिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से कार्स 24 75 करोड़ का ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बायबैक कर रही है। 75 करोड़। क्या इंडिया के किसी रेगुलेटर या मीडिया या न्यूज़पेपर या मैगजीन में इतना दम है कि वो पूछ सके कि एक लॉस मेकिंग कंपनी 75 करोड़ कहाँ से ले आई? हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जब ये लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं और पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा होके